हेलो नमस्ते, मैं हूँ स्निग्धा अवस्थी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने में मात्र एक ही दिन बचा है और ऐसे में लोगों के मन में चंद्र ग्रहण को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो आपके उन्हीं सवालों के जवाब देने हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। पंडित जी, आपका एबीपी लाइव पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री राधे, आप सभी को सादर वंदन दर्शकों को। आचार्य जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि चंद्र ग्रहण कब से कब तक लगेगा और इसका ड्यूरेशन क्या होगा? जी देखिए, यह जो चंद्र ग्रहण है, यह सबसे इसमें देखा जाए कि चंद्र ग्रहण की शुरुआत जो है वह विश्व में अगर देखा जाए, इस धरा पर देखा जाए, तो वह लगभग 1:32 से आरंभ हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम भारतवर्ष में हैं, तो हमें भारतवर्ष के समय से ज्यादा मतलब रहेगा। तो भारतवर्ष में अगर हम इसकी करते हैं तो पूर्वी उत्तर पूर्वी भाग में यह 2:39 से दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन दिल्ली, एनसीआर इत्यादि जगहों पर इसका जो प्रभाव दिखेगा, जो ग्रहण दृश्य होगा, वह संध्या बेला में होगा, गोधूल बेला में होगा। वह लगभग आप लेकर चलिए कि 5:20 से लेकर 5:30 के आसपास दृश्य होना शुरू होगा भारतवर्ष में। और जो इसका द्रास काल रहेगा, द्रास काल जो है, ग्रहण काल जो है, वह लगभग 6:32 तक रहेगा। 6:32, 6:35 अलग अलग शहरों के अनुसार वेरी कर जाएगा समय। और 7:32 यह मोक्ष काल की समाप्ति होगी, यानी कि 7:32 के बाद संध्या वेला में, उसके बाद स्नान इत्यादि करके आप सभी लोग जो है वह पूजन भजन इत्यादि अपना दैनिक क्रिया अपना फिर से आरंभ करेंगे। इस समय तक इसको वर्जित करना रहेगा। और क्योंकि यह संध्या जी पूर्ण चंद्र ग्रहण है, तो सूतक काल 9 घंटे पहले से मान्य है। जैसा कि आपने बताया कि सूतक काल 9 घंटे पहले ही लग जाता है और सूतक काल को लेकर भी लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें, तो उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी देखिए, 9 घंटे पहले सूतक काल आरंभ हो जाएगा। लेकिन सिंधा की सच्चाई यही है कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो दिनचर्या है, वह ऐसी हो गई है कि हम बहुत ज्यादा बर्ताव नहीं कर सकते हैं। विशेष करके जो लोग वर्किंग कल्चर में है, जो लोग कहीं ना कहीं कार्यरत है, उनके लिए एक समस्या रहेगी। लेकिन विशेष करके वह लोग जो गृहस्थ आश्रम में है, जो घर पे रह रहे हैं या कार्यालय इत्यादि में भी है, अगर कुछ बर्ताव कर सकते हैं तो आज उनके लिए यह बर्ताव रहेगा ग्रहण काल के समय, सूतक काल के समय। सूतक काल लगभग 9:00 पर आरंभ हो जाएगा प्रातः काल में ही। उस पहले ही अपना भोजन इत्यादि कर ले, और जो भी भोजन पदार्थ हो उनमें तुलसी दल या जो भी जल इत्यादि हो उनमें कुसा डाल दिया जाता है, भोजन के चीजों में कुसा डाल दिया जाता है। कुसा और तुलसी दल यह दोनों ही पवित्र है, कहते हैं कि ये दोनों जहां पर रहेंगे वहां किसी तरीके का नकारात्मकता नहीं रहेगी, किसी तरीके के विषाणु नहीं पैदा होंगे, तो इस प्रकार से डाल दिया जाता है। और विशेष करके सूतक काल से ही स्निग्धा जी मूर्ति स्पर्श करना, यानी कि मंदिर में मूर्ति स्पर्श करके पूजन करना, घर के मंदिर में फोटो इत्यादि को स्पर्श करके पूजन करना, यह सब वर्जित रहेगा। विशेष रूप से 2 से 3 लोगों को यहाँ पर छूट शास्त्रों में दिया गया है। पहला कि गर्भवती स्त्रियों के लिए, कि वह तुलसी दल इत्यादि डालकर समय समय पर जल लेती रहे, क्योंकि उनके साथ एक शिशु पैदा पल रहा होता है और वह जो है वह खुद ईश्वर की देन है और ईश्वर का स्वरूप है, तो उनके लिए कोई समस्या ना हो, तो इसलिए उनको छूट दी गई है। दूसरा, जो 2 लोगों को छूट मिली है, वह वृद्ध और बच्चों के लिए, वृद्ध के लिए भी छूट है और बच्चों के लिए भी छूट है। इन दोनों में ही ईश्वर साक्षात विराजमान होते हैं, तो यहाँ पर 2 लोगों को छूटकर बाकी प्रयास यही करना है कि इस समय विशेष करके ग्रहण काल में, सूतक काल में तो एक बार जल ले लीजिए, लेकिन ग्रहण काल में आप जल भी नहीं लेंगे। और विशेष रूप से यहाँ पर दैनिक क्रियाओं में, जो हमारे दैनिक क्रिया में संबंधित हमारे से मल मूत्र का भी बर्ताव यहाँ पर किया जाता है ग्रहण काल में, तो सूतक काल में आप पूर्ण रूप से बर्ताव करेंगे, भोजन इत्यादि लेना, पूजा करना, मंदिर में स्पर्श करके पूजा करना, यह पूर्ण रूप से बर्ताव रहेगा। ये तो रही सूतक काल की बात, उसके बाद चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएंगे, तो चंद्र ग्रहण के दौरान किन बातों का ख्याल रखा जाएगा पंडित जी? देखिए, ग्रहण शब्द वास्तव में देखें तो यह शब्द जो है वह नकारात्मक, ग्रहण लगना, ग्रहण लगना यानी कि ग्रसित होना किसी चीज को, उसकी शक्तियों को, उसके प्रभाव को कम करना। लेकिन एक चीज और है स्मिता जी, शास्त्रों में वर्णित है कि ग्रहण काल में अगर हम अपने इष्टजनों, अपने गुरुजनों की वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, अब पूजा, क्योंकि अभी कुछ दर्शक हमारे कहेंगे कि पूजा तो अभी मना किया गया, लेकिन पूजा मूर्ति स्पर्श करके पूजा या मंदिर में स्पर्श के सामने, मूर्ति खुली नहीं रहेगी, मंदिर ढक जाएंगे, लेकिन मानसिक पूजा अर्चना, यह विशेष रूप से इसका अति महत्व है। कहा जाता है कि ग्रहण काल में, मोक्ष काल में और ग्रहण काल में, द्रास काल में, इन 2 समयों पर स्निग्धा जी अगर गुरु आराधना की जाती है,
ईष्ट आराधना की जाती है तो उसका फल जो है वह कई गुना सामान्य जीवन से बढ़ जाता है। तो विशेष करके आप यह सब लोग ध्यान दें दर्शकों कि ग्रहण काल में अगर आपने गुरु मंत्र लिया हुआ है, आपके गुरु हैं, तो आपके गुरु द्वारा दिया हुआ गुरु मंत्र का आप जाप करिए। और इसके साथ ही आप विशेष रूप से देखिए गृहस्थ जीवन में है लोग, हमने सुना है कि कई बड़े बड़े मंत्र लोग दे देते हैं, क्योंकि तो हम सब जानते हैं संजय जी कि विशेष रूप से इतने लंबे मंत्रों का उच्चारण, शांति पाठ इत्यादि साधारण जीवन में गृहस्थ आश्रम में संभव नहीं है। तो सबसे उत्तम है हमारे लिए, तो हमारे ईश्वर ने एक छोटे छोटे नाम महामंत्र के रूप में दे दिए हैं। श्री राम का नाम का जाप करिए, सीताराम सीताराम का जाप करिए, राधे कृष्ण राधे कृष्ण का जाप करिए, या फिर गृहस्थ आश्रम के लिए सबसे उत्तम मंत्र है जो महामंत्र दिया गया है कि चंद्र ग्रहण है सुनीता जी, और चंद्रमा 16 भावों में माहिर थे, और इसके साथ ही इस धरा पर एक ही अवतार ऐसा हुआ है हमारे ईष्ट का जो 16 कलाओं में महारत हासिल उन्होंने किया था, वह है भगवान श्री कृष्ण का। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए सबसे उत्तम मंत्र है नमो भगवते वासुदेवाय। यह दिव्य मंत्र महामंत्र आप ग्रहण काल से लेकर के मोक्ष काल तक आप जाप करिए, और प्रयास यही करिए कि यह सास्वर ना करिए, मानसिक जाप करिए, इसका आनंद आप खुद लेंगे। देखिए चंद्रमा पे ग्रहण लग रहा है, चंद्रमा मन का कारक है और मन को ही स्थिर करना है। अगर आप अपने मन को स्थिर करके शांत होकर और अगर अपने गुरुजनों का इष्टजनों का दिव्य मंत्र आप जाप करते हैं तो आपके जीवन में हर प्रकार की आने वाली बात दूर होगी, चाहे वह इस ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव हो, चाहे आने वाली जीवन की बाधाएं हो, उन सभी से आप इस ग्रहण काल में मुक्ति पा सकते हैं। आपने दर्शकों की एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन दूर कर दी, क्योंकि लोग इस असमंजस में रहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए तो ग्रहण काल में भगवान का ध्यान कैसे करें। तो ये अच्छी बात है कि मन ही मन आप ईश्वर का जाप कर सकते हैं, मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। जैसा कि ये साल के आखिरी चंद्र ग्रहण है और ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन पड़ रहे हैं, और हमेशा से जो कहते हैं ना कि देव दीपावली इसी दिन मनाई जाती है, तो इसमें भी लोगों को दुविधा है कि देव दीपावली कब मनाई जाए। देखिए एक एक प्रतिशत भी भ्रम नहीं होना चाहिए, और जिस मंच पर हम लोग हैं यह मंच जो है वह दिव्य है, यहाँ पर सिर्फ सच दिखाया जाता है और वास्तविकता बताई जाती है, भ्रम नहीं पाला जाता है। तो जरूर आप सब दर्शकों को यह जानना जरूरी है, देखिए जैसे दीपावली थी वैसे ही देव दीपावली है इस बार, यह भ्रम आप कोई भी ना पालिए। उसका एक कारण है कि अगर आप देखेंगे कि पूर्णिमा तिथि 8 तारीख को संध्या बेला में यानी गौधूल बेला के बाद नहीं मिल रही है, तो दीपावली का अर्थ ही है दीप प्रज्वलन और रात्रि बेला का मिलना। जैसे कि वहां पर था कि 24 को दिवाली का मुहूर्त मिला, संध्या बेला में अमावस्या मिली तो दिवाली कह गया। देखिए दिवाली का देव दिवाली का जो पूजन है जो सेलिब्रेशन है वह 7 तारीख को ही कर ले, वह भी मान्य है क्योंकि दोपहर से ही पूर्णिमा तिथि लग जा रही है, और संध्या बेला में क्योंकि ग्रहण काल 7:30 बजे तक है तो सभी के लिए पहुंचकर और 7:30 के बाद मंदिरों में दर्शन करना पूजन करना। और जो यह ग्रहण काल है, देखिए एक चीज और सुधा जी ध्यान देने वाली बात है कि मेष राशि में यह ग्रहण लग रहा है, मेष राशि में लगने की वजह से और मंगल स्वामित्व करता है और लग किस नक्षत्र में रहा, शुक्र के नक्षत्र में लग रहा है, भरणी के तृतीय चरण में लग रहा है। तो यह देखिए विपरीत रूप से यह देखने को मिलेगा, मानव जीवन के लिए जहां भी भीड़ भाड़ या जल इत्यादि से संबंधित चीजें रहेंगी वहां यह नकारात्मक प्रभाव दिखाएगा। तो हमें प्रयास करना है कि इस ग्रहण काल में सात्विक रूप से थोड़ा सा प्रयास करें कि अपने अपने जगहों पर, अपने अपने घरों में, अपने अपने स्थानों पर हर जगह माँ गंगा का प्रभाव है। कहते हैं कि जहां पर मीठा जल है वहां अगर माँ का स्मरण करके उस जल का पान किया जाता है तो वह माँ गंगा है। तो देव दीपावली के दिन ऐसा बिल्कुल भी मत भ्रम पालिए कि एकदम से घाट पर ही तुरंत 8 तारीख को ग्रहण काल के लिए पहुंच जाना। देखिए अवसाओं का समय है, ग्रहण लग रहा है, मंगल विशेष रूप से वक्री होकर बैठा हुआ है, तो भीड़ भाड़ को थोड़ा सा वर्जित करें, और मान्य है देव दीपावली एक दिन पहले भी, अगले दिन हम ग्रहण की वजह से क्योंकि उदय तिथि है तो 8 तारीख को पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा, क्योंकि उदय तिथि में तिथि मान्य है तो पूर्णिमा व्रत जो है वह 8 को रखा जाएगा, लेकिन देव दिवाली दीपावली की तरह ही एक दिन पहले ही ग्रहण से सेलिब्रेट कर ली जाएगी। तो देव दिवाली पर ग्रहण नहीं है, पूर्णिमा तिथि में ग्रहण है, यह स्पष्ट रूप से सब लोग जान लें। तो देव दीपावली 7 तारीख को मनाई जाएगी। जैसा कि आपने बताया कि ग्रहण पड़ने के बाद ग्रहों की चाल बदल जाती है, तो ये किन किन राशियों के लिए ये चंद्र ग्रहण शुभ होने वाले हैं और किन किन राशियों के लिए ग्रहण फलदायी है, और कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन पर ये नकारात्मक प्रभाव छोड़कर जाएगा, और उन राशियों को क्या करना चाहिए जिससे बुरा प्रभाव कम पड़ सके। देखिए सुनीता जी, जो
लग्न चार्ट बन रहा है। ग्रहण काल में अगर हम लग्न कुंडली की बात करें, उस जी समय के कुंडली की बात करें, तो जब भारतवर्ष में पूर्ण दृश्य होना शुरू हो जाएगा, उस समय 5:32 का अगर हम लग्न चार्ट लेते हैं तो मेष लग्न की ही कुंडली बनती है। मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा राहु लग्न में है, मंगल वक्री हो चुका है वो भी मिथुन के घर में, और यह विशेष रूप से देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हर राशि को कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव दिखाएंगे। ग्रहण है तो जाहिर सी बात नकारात्मक, लेकिन उससे हटकर भी एक चीज आप सब जान लें कि जो स्थिति शनि मंगल सूर्य और केतु, सूर्य केतु युति बना के बैठे हुए हैं पुत्र के घर में, तुला के घर में, संबंध भाव में, जी मंगल वक्री होकर बैठा है मिथुन के घर में, और जी इसके बाद इस ग्रहण के 3 दिन बाद ही, 4 दिन बाद ही मंगल गोचर कर जाएगा, शुक्र के घर में आ जाएगा वृषभ में, तो बहुत ज्यादा प्रभावी होने वाला है विशेष करके संबंध के भाव में। देखिए 8 राशियां ऐसी हैं स्निग्धा जी जिनको विशेष रूप से इस ग्रहण से डरने की हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज्योतिष का कार्य है पहले जी ही नकारात्मक भाव से सजग कर देना, जिससे कि आप अपने जीवन में आ रही नकारात्मकता को रोक ले, उससे संबंधित उपचार कर ले। तो 8 राशियां सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभावी होने वाली है, उनमें स्थान आता है मेष राशि का, वृष राशि का, मिथुन राशि है, कर्क राशि है, तुला का स्थान आता है, और इसके साथ ही वृश्चिक, मकर और मीन, यह 8 राशियां ऐसी हैं जिन पे पूर्ण रूप से नकारात्मक असर आएगा। और किन पहलुओं पर नकारात्मक प्रभाव आएगा? पहला, वाणी भाव तीक्ष्ण हो जाएगी, क्रोध आएगा, चाहे आपके अंदर, चाहे आपके सहयोगियों के अंदर, आपके पार्टनर के अंदर, और यह क्रोध जो है, यह क्रोध की अग्नि जो है वह आपको बुरी तरह आपको ही हानि पहुंचाएगी। दूसरी जो विषय है डरने की इन राशियों के लिए वह है संबंध भाव। तुला के घर में सूर्य केतु युति बनाए हुए हैं, और आने वाले समय में, क्योंकि एक ग्रह का जो असर है जी वह लगभग 42 से 45 दिन, लगभग एक नक्षत्र का गोचर पूर्ण रूप से यह दर्शाता है, तो इसलिए देखा जाता है कि यहाँ पर 42 से 45 दिनों के अंदर ग्रहीय गोचर भी बड़े बड़े हो रहे हैं, क्योंकि तो मंगल गोचर करके आ जाएगा, तो संबंध भाव इन सबका पीड़ित रहेगा। यहाँ तक कि अगर कहीं से संबंधों में पति पत्नी के बीच वाद विवाद चल रहा है तो तलाक तक और कोर्ट कचहरी तक, कारावास तक की भी नौबत ला देगा अगर आप कहीं से गलत है और गुप्त संबंधों में है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रभावी रहेगा वह संबंध भाव पे। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय रहेगा वह है धन भाव, आर्थिक भाव, क्योंकि जी अर्थ जो है, शुक्र जो है वह भौतिकता का कारक है, तो इन 8 राशियों को धन भाव से भी सजग रहने की जरूरत रहेगी। इसके विपरीत सुनीता जी जो 4 राशियां हैं उन पर इसका प्रभाव निम्न रहेगा, ऐसा नहीं कि ये अछूती रहेंगी, लेकिन इनका प्रभाव थोड़ा सा कम रहेगा, तो इनके लिए लाभ भी देगा यह ग्रह, जिसमें सबसे पहला जो आता है स्थान वह है सिंह राशि का, सूर्य की राशि है और स्थिर लग्न राशि मानी जाती है। इनके लिए सबसे ज्यादा जो प्रभावी रहेगा वह रहेगा इनके लिए आर्थिक रूप, आर्थिक रूप से इनको लाभ देगा, लेकिन इनके लिए भी संबंध भाव पीड़ित रहेगा। इसके बाद जो 3 राशियों का स्थान आता है वह है कन्या, कुंभ का, कन्या का स्थान आता है, धनु का आता है और कुंभ राशि का। यह 4 राशियां सिंह राशि से लेकर यह 4 राशियों पर कम प्रभाव रहेगा, धन लाभ होगा, लेकिन संबंध भाव इन लोगों को भी पीड़ित करेगा, तो संबंध भाव से इन लोगों को भी सजग रहने की जरूरत रहेगी इस मुद्दा में। जैसा कि आपने बताया कि अपनी अपनी राशियों के अनुसार मंत्रों का जप करें, लेकिन बहुत से लोगों को अपनी ही कुंडली के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, तो कोई ऐसा मंत्र बताइए जिसका जाप सभी कर सकते हों। देखिए चंद्र ग्रहण है और हम सब जानते हैं कि चंद्रमा हमेशा से हमारे भोलेनाथ महाकाल के मस्तक पर विराजमान रहते हैं, जी और कहा जाता है शास्त्रों में कि चंद्र हुआ, मंगल हुआ, शनि हुई, राहु, शनि राहु और केतु, इन सभी ग्रहों की शांति के लिए एकमात्र इष्ट है वह है भगवान भोलेनाथ। कहते हैं इस धरा के आदि गुरु आदि पुरुष उनको कहा जाता है, और इसलिए उन्हीं की आराधना करें, और अगर मंत्र कर सकते हैं आप लोग सात्विक होकर, स्वच्छ होकर बैठ के अगर मंत्र का जाप कर सकते हैं तो मंत्र का जाप करिए लघु मृत्युंजय का, ओम हौं यौं सः। यह मंत्र लघु मृत्युंजय है, महामंत्र है यह। इस मंत्र से दो चीजों का फायदा होगा, पहला स्वास्थ्य कारणों पर जो प्रभाव आ रहा है वह आपको निरोगी काया देंगे, दूसरा महामृत्युंजय जप से जो मंगल प्रभाव है, जो मंगल का दोष है, चाहे वाणी भाव, क्रोध भाव,
या फिर वैवाहिक जीवन के सुख में कमी दे रहा है, वहां भी शनिदेव पूरा पूर्ण रूप से शिव जी आपके लिए शांति करेंगे और मंगल के प्रभाव को शांत करके क्षम्य करके आपको इस ग्रहण से मुक्ति देंगे, इस ग्रहण के प्रभाव से मुक्ति देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उच्चारण के डर से या नहीं कर पाते हैं, तो स्त्रियां सिर्फ नमः शिवाय का जाप करेंगी और पुरुष वर्ग जो है वह ओम नमः शिवाय पूरा मंत्र यह जाप करेगा, यह उनके लिए अति लाभकारी रहने वाला है। ये तो रही राशियों की बात, मंत्र की बात। हमारे दर्शक ये जानकर बेहद खुश होंगे कि उन्हें बहुत ही आसान तरीके से चंद्र ग्रहण के प्रभावों से बचने में मदद मिलेगी। लेकिन सबसे ज्यादा वो लोग डर रहते हैं जिनके घर में गर्भवती महिलाएं रहती हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा सावधानी प्रेग्नेंट लेडीज को ही रखना चाहिए। तो क्या कुछ है जो गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के दौरान करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत उत्तम प्रश्न है संजय जी। कि जाहिर सी बात है, जब एक उस इस अवस्था में एक स्त्री जब माँ के स्वरूप का सृजन कर रही होती है, तो उसको सबसे ज्यादा भय अपने संतान पक्ष से लगता है, अपने उस मातृत्व सुख से लगता है, क्योंकि ग्रहण शब्द सुनकर वह डर जाती है। देखिए शास्त्रों में और पुराने समय में तो अपने ग्रामीण एरिया से लोग जुड़े होंगे, उनको पता होगा अनेकों अनेक उपाय किए जाते थे, यानी कि नाभि का वहां पर गोठन होता था, उसको बांधा जाता था और उसके लिए कई चीजों का प्रयोग किया जाता था, गाय के गोबर को बड़ा संयमित कहा जाता था। लेकिन देखिए आजकल शहरों में है और सब चीजों में शुद्धता समाप्त होती जा रही है, और हम इसलिए कह रहे हैं कि शहरी एरिया में, शहरी क्षेत्रों में अगर गाय मिल भी जाएगी तो ना वह शुद्ध भोजन करने वाली, आजकल अन्न दिया जाता है और अन्य प्रकार से शुद्धता वह है नहीं, तो और जाहिर सी बात है हम शहरी क्षेत्रों में अब कोई गोबर का प्रयोग करना भी नहीं बिल्कुल चाहेगा। बिल्कुल तो उसके लिए एक अति उत्तम चीज, हमें औषधीय चीज मिली हुई है शास्त्र और इस प्रकृति के द्वारा भगवान ने हमें दिया हुआ है, वह है तुलसी माँ का पौधा, तुलसी देवी का पौधा। कार्तिक मास चल रहा है, देखिए उत्तम जी मास है, कहते हैं कि यह सबसे उत्तम मास सनातन में माना गया है, तुलसी के लिए यह सर्वोच्च पूजन का स्थान मंत्र है, यह मास है, तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप शुरू में ही 9 बजे के पहले ही जी तुलसी दल गिरा हुआ हो पेड़ के नीचे या तोड़ लीजिए आप वैसे तो मंगलवार है उस दिन जी ग्रहण काल के दिन, जी पहले से जी गिरा हुआ रहे या पहले ही तोड़ कर रख लीजिए, सजग रहिए, और उसी में हल्का सा गंगा जल मिला के उसको निचोड़ लीजिए, उसका रस निकाल लीजिए, और उसी से नाभि पर और मस्तक पर उसको आप पूरी अच्छी तरीके से लेपन कर लीजिए। यह पूर्ण रूप से इस ग्रहण का और आकस्मिक रूप से आपको बता दें सुनिंदा कि अगर उन स्त्रियों को बाहर भी निकलना पड़ता है तो जी भी इस ग्रहण काल में उनके ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर उन्होंने नाभि पर तुलसी रस लेपन किया हुआ है और मस्तक लेपन किया हुआ है। यह पूर्ण रूप से ध्यान देना है कि ग्रहण काल से पहले ही, सूतक काल से पहले ही नाभि पर लेपन कर ले और मस्तक पर तुलसी रस लेपन कर ले, और अपने इष्ट को भगवान कृष्ण को याद करें और उन्हीं का स्मरण करें, एक तनिक भी कोई भी नकारात्मकता उनके शिशु को, उनके गर्भ को स्पर्श तक नहीं कर पाएगी। सीधा लोग कहते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज को चंद्रग्रहण के दौरान नुकीली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कैंची चाकू यूज नहीं करना चाहिए, सीधे लेटर आना चाहिए, तो ये कहां तक सही है आचार्य जी? जी बिल्कुल, देखिए यह शास्त्र भी कहता है, यह महाभारत काल में जी अभिमन्यु के समय भी कृष्ण ने यह चीजें बर्ताव बताया था, और यह अभी भी यह हमें मानना भी चाहिए। देखिए पूर्ण रूप से इस समय सब्जी इत्यादि का काटना या फल इत्यादि का काटना यह सब वर्जित रहता है, नुकीली पदार्थ कोई नुकीले सामान प्रयोग नहीं करेंगे, विशेष करके गृहिणियां जो है कई बार घर में शिशु है, बच्चे हैं, उनके कपड़े इत्यादि सिलने भी लग जाती, खाली रहती है अगर, तो यह सब जो है पूर्ण रूप से बर्ताव करना रहेगा, और एक विशेष ध्यान देना है शयन नहीं करना है, मतलब निद्रा में नहीं सोना है, विशेष रूप से ग्रहण काल यानी कि जो ग्रास काल चल रहा है, जिस समय ग्रहण लगा हुआ है उस समय में शयन नहीं करना चाहिए, और अगर वह लेटे, क्योंकि देखिए हमेशा ना वो बैठे रह सकते क्योंकि गर्भावस्था है, तो ना तो वह हमेशा बैठे रह सकते हैं ना हमेशा लेटे रह सकते, उनके लिए मूवमेंट जरूरी है, तो अगर वह लेटते भी हैं तो अपने ईष्ट को याद करते रहे, आंखें खुली रहे, ध्यान रहे, उनके मन में हमेशा ईश्वर का ध्यान रहे, यही उनको करना है, और विशेष रूप से बहुत ही उत्तम चीज आपने कही कि कोई भी नुकीले पदार्थ का प्रयोग, कोई भी नुकीले सामान का प्रयोग या फल इत्यादि काटना, सब्जी काटना, इस सब को पूर्ण रूप से इस दिन इस समय काल में वर्जित माना जाता है। श्रीधर आचार्य जी ये भी जानना चाहेंगे कि सूतक काल के बाद क्या गर्भवती महिलाएं घर से बाहर निकल सकती हैं? देखिए सूतक काल से पहले निकल सकते हैं, सूतक काल से पहले कोई दोष नहीं है,
लेकिन सूतक काल के बाद प्रयास यही करना चाहिए कि सूतक काल के बाद से ही सभी जो वर्जित चीजें हैं उनको आपको ध्यान रखना है, कोई भी फलचर ना काटे, कहीं बाहर ना निकले, बाहर निकलने की जो सबसे ज्यादा जो वर्जित रहता है, जो बाधा रहती है, वह है ग्रहण काल, क्योंकि उस समय जो है वह किरणें जो है, विकिरण जो है, वह नकारात्मक किरणें जो है वह सीधा हमारे शरीर को स्पर्श करती है, तो उस समय विशेष रूप से बर्ताव करना है, या कह लीजिए कि जिस समय ग्रहण काल शुरू होगा, देखिए सूतक तो 9 घंटे पहले लग जाएगा, तो जाहिर सी बात है हमने कहा कि हमारी दिनचर्या ऐसी है, हमारी जरूरतें ऐसी है कि हो सकता हमें निकलना पड़े, तो विशेष करके, और यह जो हमने बताया कि तुलसी का रस स्निग्धा जी, यह हर कोई कर सकता है, मस्तक पर, नाभि पर लगा ले, यह 2 केंद्र ऐसे हैं, ब्रह्मचक्र और नाभि चक्र, जो मनुष्य के जीवन को सभी पूरे उसके शरीर की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं, और यह दोनों जगहों पर स्पर्श कर सकते हैं। दूसरी चीज की अगर आप निकलना है, आपको लग चुका है सूतक काल, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रहण काल से पहले लगभग 2 घंटे पहले आप पूर्ण रूप से वर्जित कर दे, बाहर ना निकले, ग्रहण काल के समय अपने घर में रहे विशेष रूप से, लेकिन सूतक काल से पहले कोई बंधन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सूतक काल के बाद भी बस बर्ताव कर सकते हैं चीजों का, कि खाए पिए ना, अगर गर्भवती है तो ठीक है जल इत्यादि या जूस इत्यादि ले सकते हैं, लेकिन कोई चीज काटे ना, कोई पीली चीज ना उठाए, उसका प्रयोग ना करें, चाकू इत्यादि ना चलाए, यह सब पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा सूतक काल में। आचार्य जी, एक छोटा सा सवाल मेरे मन में भी है कि तुलसी दल को क्या सिर्फ पके भोजन में डालना चाहिए या कच्चे अनाज जैसे आटा होता है, चावल है, या दाल में भी डाल देना चाहिए? बहुत अच्छा अद्भुत प्रश्न है, और मुझे लगता है कि यह भ्रम लगभग लगभग अभी भी इतने समय बाद भी सभी के मन में होगा, लगातार सूर्य ग्रहण भी हुआ उसके बाद चंद्र ग्रहण है। अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, जो भी कच्चा भोजन है, जो पका नहीं है, और उनको पकाकर प्रयोग करना है, उसमें कोई बाध्यता नहीं, उसमें रखने की कोई बाध्यता नहीं। जैसे आटा है, आटा कोई कच्चा खाएगा नहीं, तो उसको पकाना है, अग्नि पर जाने पर हर चीज पवित्र हो जाती है। वही पदार्थ जो हम अभी तुरंत उसको अब दोबारा पकाना नहीं है, तो उसको हम प्रयोग करें, जैसे पहले का बना भोजन हो, मिष्ठान घर में कुछ हो इत्यादि, उसमें जो पक चुका है एक बार, जो जिसको हम पका चुके हैं और उसको प्रयोग के लिए रख चुके हैं, उसमें आपको तुलसी दल या फिर कुसा का प्रयोग आप कर सकते हैं, या दोनों चीजें में से कोई भी एक विकल्प लेकर जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसको डाल दीजिए, उसकी शुद्धता बनी रहेगी। लेकिन जो चीज कच्ची है, जैसे चावल है, आटा है इत्यादि जो है, उनमें कोई बाध्यता नहीं, उनमें डालने की कोई आवश्यकता नहीं है तुलसी दल इत्यादि। आचार्य जी, ये तो बात हो गई चंद्र ग्रहण के पहले की या चंद्र ग्रहण के दौरान, लेकिन ग्रहण खत्म होने के बाद घर को कैसे शुद्ध किया जाए, मंदिर के कपाट कब खोले जाएं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। देखिए, ग्रहण काल के बाद, बिल्कुल सही कहा आपने, ग्रहण काल के बाद जो हमने बताया कि मोक्ष काल जो है वह लगभग 7:30 बजे समाप्त होगा। मोक्ष काल के बाद आप अपने घर के मंदिर की पहले साफ सफाई करेंगे, घर की साफ सफाई करेंगे, ना सफाई कर पाए तो आप गंगा जल का छिड़काव करेंगे और स्वयं स्नान इत्यादि करके आप फिर से पूजा इत्यादि करेंगे। और रहा मंदिर के कपाट का सुनिधा जी, तो जैसे ही मोक्ष काल समाप्त होता है, जैसे सूर्य ग्रहण के दिन भी हम लोगों ने देखा कि मोक्ष काल के बाद जो है वह मंदिर की साफ सफाई पूर्ण रूप से पुनः शुरू हो जाती है, गंगा जल मिला के जल में, और हर कोने पर कपड़े से पोंछना, यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि तो मंदिर की दीवारों पर भी कपड़े इत्यादि से लेपन तथा पोछा जाता है, उनको शुद्ध किया जाता है। तो इसी प्रकार से नियम यही कहता है कि घर में भी, घर का मंदिर इत्यादि, फोटो मूर्त इत्यादि सभी कुछ शुद्ध करके, या गंगा जल के छिड़काव से शुद्ध कर दीजिए, जो भी आपके पास दोनों विकल्प मौजूद है, अगर आपके पास समय हो तो आप सबको धुल पोछ कर सही से रख दीजिए, अगर नहीं समय है तो आप वहां पर गंगा जल छिड़काव करके घर के कोनों में भी गंगा जल का छिड़काव करिए, और वहां पर उसके बाद स्नान इत्यादि करके आप नित्य की तरह ही धूप दीप पूजन इत्यादि करिए, और यही नियम मंदिरों में भी लागू होता है, विशेष करके शक्ति पीठों को छोड़ करके और ज्योतिर्लिंगों को छोड़ करके। ज्योतिर्लिंग को भी शुद्ध किया जाता है, लेकिन वहां पर कपाट नहीं बंद होता है, लेकिन वहां पर भी शुद्धता इत्यादि जाती है। सुंदर सूतक काल से लेकर चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद तक की सारी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, मुझे लगता है इसके बाद दर्शकों के सभी कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे और लोगों को पता भी चल गया होगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो कि डरना नहीं चाहिए, बस उपायों को करना चाहिए और ग्रहण का समय भी निकल जाएगा। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी जानकारी देने के लिए, और ऐसे ही आप लोग भी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें एबीपी लाइव। नमस्कार।